अरे भाई वो सुना है यार, वो रमजान में सुना है कि यार वो जो वर्कआउट करना होता है ना, वो रोजा रख के वर्कआउट करे ना, तो बड़ा फिट सीन होता है, सुना है, बड़ा फैट 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 बर्न होता है, मैंने सुना है। यार क्या करूं यार, मैं रमजान में इतनी ज्यादा मैंने मेहनत की है यार, इतनी ज्यादा मैंने फाड़ी की है, मेरा मतलब इतनी ज्यादा मैंने मसल मास बनाया है, तो यार ये क्या सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा रमजान में। इफ्तारी के बगैर वर्कआउट करूं सीनोन होगा, आर्नल्ड श्रोनवार निकल बन जाऊंगा मैं। Assalamualaikum everyone and welcome to another video. आज हम बात करेंगे, that will be again about Ramzan and how exactly हम रमजान में एक्सरसाइज करें। एक बिगिनर के लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, या जो बिगिनर्स है, I would say कि आप रमजान में वर्कआउट 4 days a week, no more than that. Depending on your level of fitness, आप उन 4 weeks को कैसे डिवाइड करेंगे, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू। इससे मैं आगे जाके बहुत ज़्यादा फर्दर वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि भाई अगर आप इस लेवल के बिगिनर हैं तो इस तरह का स्प्लिट बेहतर है, 6 months के बिगिनर हैं तो इस तरह का स्प्लिट बेहतर है, दैट्स फॉर लेटर वीडियो। बट फॉर नाउ इफ यू आर बिगिनर तो मैं कहूँगा कि भाई आप हफ्ते में 4 days a week वर्कआउट करें एंड नो मोर देन 3 to 4 कार्डियो सेशंस पर वीक, दैट्स अबाउट इट। बहुत ज़्यादा इंटेंस आपको वर्कआउट ना हो एंड जस्ट फोकस ऑन ईच एक्सरसाइज, फोकस ऑन ईच सेट, फोकस ऑन ड्रिंकिंग वाटर बिटवीन सेट्स बिफोर एंड आफ्टर योर वर्कआउट, पानी बहुत ज़्यादा पिए। ये सब के लिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं कह रहा, पानी पीना बंदा भूल जाता है, पूरे दिन आपने पानी नहीं पिया होता आप भूल जाते हैं क्या, पूरे दिन पानी नहीं पिया, थोड़ी सी आपको विंडो मिली है अपना पानी पीने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। सो बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस जो भी आप हैं, पानी बहुत ज़्यादा पिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, डिपेंडिंग कि आप एक बॉडी बिल्डर हैं, कि आप वैसे ही फिटनेस के अंदर हैं, टू स्टे इन शेप एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, एक्सरसाइज में क्या चेंज लाना चाहिए। पहली बात तो ये यार, एंड दिस गोज आउट टू ऑल ऑफ माय बॉडी बिल्डर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत सीरियसली बॉडी बिल्डिंग करते हैं, यार मेरी बात सुनो, 1 महीने के अंदर ना कोई आपका जो मसल मास है, आपके जो गेंस हैं, वो कहीं नहीं जाते यार, आप टेंशन ना लो। रोजे में आपका मसल जो है वो खुद बहुत डिसइंटीग्रेट होकर अपने आप को खाना नहीं शुरू हो जाएगा, रिलैक्स। हैविंग सेड दैट, मेरी जो फिलॉसफी है ना कि यार रमजान में आपको कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहली बात तो ये कि यार जो ट्रेनिंग आपके लिए फायदेमंद है वो आपको पता है, अज्यूमिंग कि आप काफी पहले से ट्रेन कर रहे हैं, तो जो चीज आपके लिए रिजल्ट्स लाती है वो आपको पता है, तो पहली बात तो ये कि आप उसी चीज को कंटिन्यू करें। हाँ, उसमें अब आपने ट्वीक्स और चेंजेस क्या लाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रमजान में आपने रोजा रखा होगा मोस्ट प्रॉबली, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इतने घंटे आपने ना खाया होगा और ना पानी पिया होगा, ठीक है, तो उससे ऑब्वियसली इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी, आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होगा, आपके मे बी इम्यून सिस्टम पे थोड़ा सा इफेक्ट हो, आपकी ओवरऑल जो है फिजिकल फिटनेस और आपकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होगा, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में 6 days a week जिम जा रहे हैं, 2 घंटे per day वर्कआउट कर रहे हैं, ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड दिस, तो यू हैव टू रियलाइज क्या रमजान में एक रूटीन जो है आपकी, रोजे शोजे की जो रूटीन है उसके साथ इतनी ज्यादा टफ वर्कआउट रूटीन मोस्ट प्रॉबली मेंटेन नहीं हो सकती, कंसिडरिंग कि आपकी जो डाइट है वो भी इफेक्ट हुई है, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है अपनी डाइट को फिट करने का। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, अगर आपकी वर्कआउट रूटीन बहुत बहुत इस वक्त इंटेंस है तो थोड़ा सा उसको टोन डाउन करें फॉर रमजान, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएंगी आपकी मसल गेंस, कहीं नहीं जाएंगी आपकी स्ट्रेंथ, दिस इज फॉर योर ओन लॉन्जेविटी, ठीक है, कि आप ज्यादा देर तक एक्सरसाइज को जारी रखें। तो अगर 1 महीने के लिए आप थोड़ा सा टोन डाउन करें, बहुत ज्यादा ये नहीं मैं कह रहा कि अगर 100% पे थे 50% पे आ जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है, थोड़ा सा अगर आप उसको 80-85 पे ले आए विद फास्टिंग, विद स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स विदाउट एनी फूड एंड वाटर, तो कोई मसला नहीं होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन जो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग सोच रहे होंगे कि रमजान में रोजे के दौरान वर्कआउट किया जाए या इफ्तारी करने के बाद वर्कआउट किया जाए, और आपको काफी वीडियोस नजर आई होंगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, टीवी पे कि यार रोजे में वर्कआउट करें, रोजा रख के वर्कआउट करें, आपका फैट ज्यादा बर्न होगा। अभी कौन हो तुम लोग, क्या पागल तो नहीं हो गया, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना अपनी कोई रिसर्च है, अपनी तरफ से कोई आर्टिकल पढ़ लिया उसके बेसिस पे कहना शुरू हो गया। रोजे में अगर आप एक इंटेंस वेट ट्रेनिंग का वर्कआउट करेंगे, पानी नहीं पी रहे होंगे, बहुत ज्यादा चांस है कि आपके मसल्स डिहाइड्रेट होके क्रैम्प अप होना शुरू हो जाए। मसल क्रैम्प पड़ गया क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए तो बंदा स्ट्रेच करता है, पानी पीता है, क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, पानी नहीं पी पाएंगे,
क्या होगा, बड़ा फैट बर्न हो गया यार। फैट बर्न इस तरह नहीं होता, फैट बर्न की फिलॉसफी डिफरेंट है। इट डिपेंड्स कि आप दिन में कितनी टोटल कैलोरीज खा रहे हैं और कितना बर्न कर रहे हैं। डजंट मैटर कि आप सुबह के 6 बजे बर्न कर रहे हैं कि शाम के 6 बजे बर्न कर रहे हैं, कि खाली पेट बर्न कर रहे हैं, कि पेट में खाना है उसके साथ बर्न कर रहे हैं, डजंट रियली मैटर। 19-20 का में भी फर्क पड़ता होगा, वो नजर भी नहीं आती ऐसी चीज। सो जस्ट रिलैक्स एंड आई वुड से कि भाई रोजे में डू नॉट वर्कआउट, स्पेशली अगर आपका वर्कआउट एक इंटेंस किस्म का वर्कआउट है। हाँ, अगर आपका वर्कआउट जो है इट इन्वॉल्व्स जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग, सिर्फ आपने वॉक करनी है, मे बी इंक्लाइन पे थोड़ी सी वॉक करनी है, या मे बी बाहर आपने वॉक करनी है, श्योर यू कैन डू दैट वाइल फास्टिंग, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्यास नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत नहीं खराब होगी, दैट्स फाइन, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका वर्कआउट एक इंटेंस किस्म का वर्कआउट, इंटेंस वेट ट्रेनिंग है, ज़्यादा वजन उठा रहे हैं, या मे बी आप डिफरेंट किस्म के एथलीट हैं, आप इंड्योरेंस पे काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर इसमें फिटनेस इन्वॉल्व है, तो यार ये चीज़ रोजे में पानी के बगैर नहीं करनी यार। अपनी तबीयत क्यों खराब करनी है, क्यों अपने आप को अजाब में डालना है, क्यों अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को अजाब में डालना है अपनी तबीयत खराब करके। जस्ट रिलैक्स, इफ्तारी करें, जो आपकी इफ्तारी है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, उसके बाद 1-2 घंटे आराम से रिलैक्स करें, मे बी इवन अ लिटिल मोर, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अपना जाके अगर आपका एक वर्कआउट है वो थोड़ा सा इंटेंस किस्म का है तो वो आप इफ्तारी के बाद करें। लास्टली, कार्डियो कितनी करनी चाहिए रमजान में? यार आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी जो करंट रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा कार्डियो इन्वॉल्व है तो उतनी ज़्यादा ना करें। एंड दिस इज समथिंग दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम अली खान न्याजी, अली खान फिटनेस। इफ यू नॉट फॉलो दैट गाय, प्लीज फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम आई बिलीव। यूट्यूब पे आजकल इतनी वीडियो शायद नहीं बना रहे हो। सो एनीवे, कार्डियो जो है, अगेन उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है, बहुत ज़्यादा आप डिहाइड्रेट होते हैं, तो रमज़ान में वैसे ही आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, पानी इतना ज़्यादा नहीं पी रहे आप, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे थे रमज़ान से पहले तो रमज़ान में उस चीज़ को थोड़ा सा टोन डाउन कर लें। अगेन आपकी जो बॉडी फैट लेवल है उस पर कार्डियो थोड़ी सी कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट 1 मंथ यार, ये 1 मंथ आपने गुजारना है, इसमें आपके एक डिफरेंट गोल्स होंगे, इसमें आपके मोस्ट प्रॉब्ली स्पिरिचुअल किस्म के गोल्स होंगे, अगर नहीं है तो थोड़े से होने चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए, 30 दिन के लिए फिटनेस को आप थोड़ा सा साइड पे कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगी बॉडी, आपकी बॉडी आपके पास ही रहेगी, बस आपने उसको मेंटेन करना है। तो इन शॉर्ट, कोई ड्रास्टिक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत मुश्किल, बहुत स्ट्रेनुअस, बहुत इंटेंस वर्कआउट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो आप कर रहे थे वही करते रहें, और अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था तो उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर लें। दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड, जस्ट कीप इट सिंपल, स्टे हेल्दी। हेल्दी रहना हमारा सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, बाकी चीज़ें टाइम के साथ साथ आ जाती हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फर्दर वीडियोस में गाइड करते रहूंगा कि डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज रूटीन, कार्डियो, इनकी डिटेल्स वगैरह डिपेंडिंग ऑन द लेवल यू आर एट, वो सब मैं आपको ऐसे ऐसे बताता रहूंगा। सो जस्ट रिलैक्स मैन, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। दिस इज एनर्जेटिक साइनिंग आउट।